इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसे ट्रांसलेट करते हुए इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिख कर बताएंगे जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपकी वोकेबलरी वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो इस स्टोरी में आए कठिन शब्दों के उच्चारण को भी मैं लिख दूंगा जिससे आप कठिन शब्दों को भी आसानी से पढ़ सके अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना आने लगेगा इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू द आर्मी ऑफ रैट्स चूहों की सेना आर्मी का मतलब होता है सेना ऑफ की रैट्स चूहों की रैट्स मतलब चूहे तो हम कहेंगे चूहों की सेना वंस एक बार द रेट्स चूहो ने क्रिएटेड उत्पन्न कर दिया था अस एक खतरा एक बार चूहो ने खतरा उत्पन्न कर दिया था क्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करना या फिर किसी चीज को बनाना या करना मेनिस का मतलब होता है खतरा इन द हाउस घर में ऑफ तेनाली रमन तेनाली रमन के एक बार तेनाली रमन के घर में चूहों ने समस्या खड़ी कर दी थी मैंने इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं गंभीर समस्या One day, एक दिन निबल्ड उन्होंने कुतर दिया ब्यूटीफुल साड़ी एक सुंदर सी साड़ी ऑफ तेनाली रमन वाइफ तेनाली रमन की पत्नी की एपेस्ट्रॉफी है ये एस एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब काकी के ये वाइफ पत्नी तेनाली रमन की पत्नी की एक सुंदर सी साड़ी उन्होंने कुतर दी निबल का मतलब होता है कुतरना वन डे एक दिन ब्यूटीफुल सुंदर साड़ी साड़ी तेनाली रमन एंड हिज वाइफ तेनाली रमन और उनकी पत्नी गॉड वेरी एंग्री बहुत गुस्सा हुई एट दिस इससे इससे तेनाली रमन और उनकी पत्नी बहुत गुस्सा हुई एंग्री का मतलब होता है गुस्सा गॉट वेरी एंग्री है तो बहुत गुस्सा हुई तेनाली रोड तेनाली दहाड़े रोड का मतलब होता है दहाड़ना लेकिन हम यहां इसे कहेंगे जोर से चिल्लाए तेनाली जोर से चिल्लाए आई मस्ट कैच मुझे पकड़ना होगा देम उन्हें एन किल दे और उन्हें मारना होगा मुझे उन्हें पकड़ना और मारना होगा कैच का मतलब होता है पकड़ना किल मारना देम उन्हें यानी चूहों को अदरवाइज नहीं तो अदरवाइज का मतलब है नहीं तो नहीं तो दे विल निबल वो कुतर देंगे एवरी सब कुछ इन द हाउस घर में नहीं तो घर में वो सब कुछ कुतर देंगे एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ सब कुछ तेनाली एंड हिज वाइफ तेनाली और उनकी पत्नी ट्राइड अ लॉट बहुत कोशिश की बट लेकिन द रेट्स वर नॉट टू बी कॉट लेकिन चूहे पकड़े नहीं जा सके ट्राइड का मतलब है कोशिश की कोशिश की अलॉट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा द रेट्स चूहे रैन चूहे दौड़ते एन हिड और छिप जाते थे बिहाइंड द हैवी बॉक्सेस भारी बक्सों के पीछे बिहाइंड का मतलब है पीछे हैवी भारी बॉक्सेस बक्से आफ्टर रनिंग हार्ड जोर से दौड़ने के बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम ज्यादा समय तक ज्यादा समय तक जोर से दौड़ने के बाद दे कुड सक्सीड वो सफल हुए इन किलिंग मारने में ओनली वन रैट सिर्फ एक ही चूहा काफी देर से दौड़ने के बाद वो सिर्फ एक ही चूहा मारने में सफल हुए ओनली का मतलब है सिर्फ वन एक तेनाली रमन वॉज वेरी वरीड तेनाली रमन बहुत चिंतित हुए ही डिड नॉट नो वह नहीं जानते थे वॉट टू डू क्या करें एंड वॉट नॉट टू डू और क्या ना करें ली रमन बहुत चिंतित थे और वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करें और क्या ना करें का मतलब होता है चिंतित। At last, अंत में तिनाली रमन, रमन गए टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने किसी एक दोस्त के पास हुईस्ड जिसने सलाह दी एट लास्ट का मतलब है अंत में अंत में हु एडवाइस जिसने सलाह दी? दीप उन्हें जिसने उन्हें सलाह दी टू ब्रिंग लाने के लिए कैट एक बिल्ली टू गेट रिड ऑफ छुटकारा पाने के लिए द रेट्स चूहों से चूहों से छुटकारा पाने के लिए उसने एक बिल्ली लाने की सलाह दी ब्रिंग का मतलब होता है लाना टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना छुटकारा पाना रेट चूहों से दैट वॉज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन वही एक संभव विकल्प था पॉसिबल का मतलब है संभव ऑप्शन विकल्प वही एक संभव विकल्प था तिनाली रमन केप्ट तेनाली रमन ने रख लिया अ पिट कैट एक पालतू बिल्ली एंड द मेनिस और वो समस्या ऑफ द रेट्स चूहों की डिक्रीज घट गई डिक्रीज का मतलब होता है घटना या फिर कम होना कम होना तेनाली रमन ने एक पालतू बिल्ली रख ली और चूहों की समस्या कम हो गई किप्ट का मतलब है रखी या फिर रख ली ही टूक उन्होंने लिया अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ चैन की सांस उन्होंने चैन की सांस ली ब्रीथ का मतलब है सांस रिलीफ चैन की चैन की या फिर राहत की वन डे एक दिन द पिट कैट पालतू बिल्ली ने पिट का मतलब है पालतू कॉट पकड़ लिया द पिट parrot पालतू तोते को नेबरिंग हाउस पड़ोस के घर के एंड और किल्ड इट और इसे मार दिया एक दिन पालतू बिल्ली ने पड़ोस के एक पालतू तोते को पकड़ लिया और उसे मार दिया पैरट का मतलब होता है तोता कॉट पकड़ लिया पकड़ लिया कॉट कैच का सेकेंड फॉर्म होता है कैच का मतलब होता है पकड़ना ऑफ द हाउस घर की घर की मालकिन टू कैच अपने पति से पकड़ने के लिए कहा कैट उस बिल्ली को एंड किल्ड इट और इसे मारने के लिए कहा यानी उस घर की मालकिन ने अपने पति को बिल्ली पकड़ने और मारने के लिए कहा मिस्ट्रेस का मतलब है मालकिन आस्क्ड और यहां पर देखिए टू है आस्क टू का मतलब होता है कहना आस्क्ड टू है तो कहा द हजबेंड रैन आफ्टर पति दौड़ पड़ा आफ्टर द तेनाली रमन स्कैट तेनाली रमन की बिल्ली के पीछे आफ्टर का मतलब यहां पर है पीछे रैन दौड़ पड़ा एंड कॉट होल्ड ऑफ इट और इसे पकड़ लिया काट होल्ड का मतलब है पकड़ लिया एज ही वॉज अबाउट टू किल इट जैसे ही वह इसे मारने वाला था ऐज का मतलब है जैसे ही जैसे ही वॉज अबाउट टू किल मारने वाला था इट इसे यानी उस बिल्ली को तिनाली रमन रीचड देयर तेनाली रमन वहाँ पहुंच गए रीच का मतलब होता है पहुंचना रीचड है तो पहुंच गए देर सेड उन्होंने कहा सर प्लीज फॉर गिव द कैट सर कृपया बिल्ली को माफ कर दीजिए प्लीज का मतलब है कृपया फॉर गिव माफ़ कर दीजिए माफ कर दीजिए फॉर गिव का मतलब होता है माफ करना द कैट उस बिल्ली को आई हैव केप्ट मैंने रखा है दिस कैट इस बिल्ली को एज अ पेट एक पालतू जानवर के रूप में टू रिड्यूस कम करने के लिए द मैनेस ऑफ रेट्स चूहों की समस्या इन माय हाउस अपने घर में अपने घर में मैंने चूहों की समस्या कम करने के लिए इस बिल्ली को पालतू बिल्ली के रूप में रखा है रिड्यूस का मतलब है यहाँ पर कम करना कम करना जैसे भी आपने ऊपर डिक्रीज पढ़ा था डिक्रीज और रिड्यूस दोनों का मतलब एक ही होता है आई विल बी ऑब्लिश्ड मैं आपका एहसानमंद होगा। ऑब्लिश का मतलब होता है एहसानमंद होना बट लेकिन द मैन वो आदमी डिड नॉट एग्री सहमत नहीं हुआ लेकिन वो आदमी सहमत नहीं हुआ ही सिड उसने कहा वाई डू यू नीड तुम्हें क्यों जरूरत होती है अ कैट किसी बिल्ली की टू कैच पकड़ने के लिए रैट्स चूहे तुम्हें चूहे पकड़ने के लिए किसी बिल्ली की जरूरत क्यों होती है आई कैन कैच मैं पकड़ सकता हूँ रैट्स चूहों को ऑन माई ओन खुद से ही मैं चूहों को खुद से ही पकड़ सकता हूँ एंड और ही किल्ड द कैट और उसने बिल्ली को मार दिया आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद अ रिलेटिव ऑफ द नेबर पड़ोसी के रिश्तेदार ने सेंट हिम उसे भेजा अ ब्यूटिफुल चेस्ट एक सुंदर सा बॉक्स एज अ प्रजेंट उपहार के रूप में उपहार के रूप में उस पड़ोसी के किसी रिश्तेदार ने उसे एक सुंदर सा बक्सा भेजा चेस्ट का मतलब होता है बक्सा प्रेजेंट जिसे हम गिफ्ट भी कहते हैं और उपहार भी कहेंगे एज के रूप में सेंट भेजा नेबर पड़ोसी रिलेटिव रिश्तेदार रिश्तेदार द नेबर टू द चेस्ट उस पड़ोसी ने बक्सा लिया इन टू हिज हाउस अपने घर में एंड कैप्ट इट और इसे रख दिया इन हीज़ रूम अपने कमरे में वो पड़ोसी वो बक्सा ले गया और उसे अपने कमरे में रख दिया ही ओपन द चेस्ट उसने बक्सा खोला टू सी देखने के लिए वॉट वॉज इनसाइड इट कि इसके अंदर क्या था इनसाइड का मतलब है अंदर टू सी देखने के लिए वॉट वॉज क्या था ओपन खोला एज सुन एस जैसे ही एज सुन एस का मतलब है जैसे ही जैसे ही ही डिड सो उसने ऐसा किया डिड का मतलब है किया सो so, ऐसा मेनी रेट्स बहुत से चूहे जम्प्ड आउट कूद पड़े फ्रॉम द चेस्ट उस बक्से से उस बक्से के बाहर बहुत से चूहे कूद पड़े मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स बहुत सी ज़रूरी चीज़ें वर केप्ट रखी हुई थी इन दैट रू उस कमरे में उस कमरे में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई थी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या फिर ज़रूरी थिंग्स चीज़ें वर्कप्ट रखी हुई थी द रेट्स चूहे जम्ड एंड रैन कूदे और दौड़े एवरीवेयर हर जगह वो चूहे हर जगह कूदे और दौड़े द मैन रैन वो आदमी दौड़ा बिहाइंड पीछे टू कैच देम उन्हें पकड़ने के लिए वो आदमी उनके पीछे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा हिज सर्वेंट्स उनके नौकर ऑल्सो लिफ्ट देअर जॉब उन्होंने भी अपना काम छोड़ दिया एंड और रैन बिहाइंड द रेड्स और चूहों के पीछे दौड़े आफ्टर हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के बाद ऑव सिक्स आर्स छंटों के छ घंटों के कड़े परिश्रम के बाद दे गॉड रीड ऑफ द रेड्स उन्हें चूहों से छुटकारा मिला बट लेकिन they had suffered. उन्हें सहना पड़ा था ह्यूज लॉसेस बड़े नुकसान लेकिन उन्हें बड़े नुकसान सहना पड़ा था हैड सफर्ड का मतलब होगा सहना पड़ा था या फिर उन्हें उठाना पड़ा था ह्यूज बड़ा लॉसेस नुकसान द टायर्ड नेबर थके हुए पड़ोसी ने पीप्ड इन टू द बॉक्स बॉक्स में झांका पीप का मतलब होता है झांकना है तो झांका द बॉक्स उस बक्से में टू फाइंड आउट जानने के लिए या फिर पता लगाने के लिए फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या फिर जानना हु सेंट किसने भेजा था, था। हिम उसे द बॉक्स उस बक्से को फुल ऑफ रेट्स चूहों से भरा हुआ चूहों से भरा हुआ उस बक्से को उसे किसने भेजा था ही फाउंड अ पीस ऑफ पेपर उसे एक कागज का टुकड़ा मिला इन इट इसमें यानी उस बॉक्स में उसे एक कागज का टुकड़ा मिला फाउंड का मतलब है उसे मिला या फिर उसने पाया विच रेड जिसमें लिखा था विच रेट का मतलब होगा यहाँ पर जिसमें लिखा था यानी उसने उसमें ऐसा पढ़ा क्या पढ़ा यू टोल्ड मी दैट आपने मुझे बताया था कि यू कैन कैच आप पकड़ सकते हैं रेट्स चूहों को विदाउट कैट्स बिन बिल्लियों के बिना बिल्लियों के आप चूहे पकड़ सकते हैं आपने मुझे बताया था आई एम सेंडिंग यू मैं आपको भेज रहा हूँ सम रेट्स कुछ चूहे टू टेस्ट यू का टेस्ट लेने के लिए आपकी परीक्षा लेने के लिए टेस्ट का मतलब है यहां पर परीक्षा प्लीज लेट मी नो कृपया मुझे बताइएगा द रिजल्ट परिणाम कृपया आप मुझे परिणाम बताइएगा रिजल्ट का मतलब है परिणाम लेट मी नो मुझे बताइएगा योर्स तेनाली रमन आपका तेनाली रमन यानी वो बॉक्स तेनाली रमन ने ही उसे भेजा था द नेबर रिपेंटेड पड़ोसी को पछतावा हुआ फॉर हिज मिसबिहेवियर अपने दुर्व्यवहार से अपने दुर्व्यवहार से पड़ोसी को पछतावा हुआ रिपेंट का मतलब होता है पछतावा होना पछतावा होना मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार ही वेंट वह गया टू तेनाली रमन तेनाली रमन के पास एंड आस्कड फॉर हिज फॉर गिवनेस और उनसे माफी मांगी आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना आस्कड फॉर है तो मांगी हिज उनकी फॉर गिवनेस माफी वेंट गया वह तेनाली रमन के पास गया और उनसे माफ़ी मांगी उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग और ये सेंटेंसेस और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कौन सा वर्ड आपको नया लगा आपने नया सीखा इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को मित्र को परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में